ये भोपाल पानी के पास वही फ्लाईओवर है जिसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते दे दिए थे, क्योंकि ये इसी जगह से पूरी तरह से झुक गया था। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो स्पान है करीब 15 से 20 मीटर से ज़्यादा लगभग होगा, जो कि नीचे झुक रहा था, जिस वजह से इस पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया और इसके जांच के आदेश दे दिए गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोकलैंड मशीन यहाँ पे खड़ी है, इसके अलावा एक जेसीबी भी यहाँ पे खड़ा है, आप देख सकते हैं। और इस पूरे स्पान को तोड़ के इसका मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है, जबकि इसकी जांच जारी है। जो जगह है जो नीचे झुक गई थी उसको तोड़ा जा रहा है, उसका मलबा उठाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर जांच प्रभावित हो जाए। आप समझ सकते हैं कि यदि कभी कोई हत्या हो जाए तो उसका शव रखा जाता है, उसका बिसरा रखा जाता है, जिससे जांच हो सके। लेकिन यहाँ पर तो शव को ही उठा के ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल अब मलबा रह गया है। किस तरह से टेक्निकली इसका निर्माण हुआ था, किस तरह की निर्माण सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई थी, अब इसका पता लगाना असंभव हो जाएगा। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि जांच का जरूर यहां पे हवाला दिया गया कि इसकी जांच की जाएगी, लेकिन और ये बताया गया मुख्यमंत्री द्वारा कि एक हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और मैं बता दूं कि आज 10 दिन हो गए हैं, कोई जांच यहां पे नहीं हुई है, और आप देख सकते हैं कि यहां पर तो सबूत ही समाप्त किए जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की विधानसभा डोईवाला में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जबकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री के पास है। जागो उत्तराखंड के लिए भोपाल पानी फ्लाईओवर से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।